उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में पौड़ी पहुंची और मुख्यालय की सड़कों पर पदयात्रा निकाली गई। वहीं इस दौरान बेरोजगार युवाओं के साथ देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू समेत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोदयाल ने सरकार पर जमकर बरसे और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। अजय कुमार लल्लू ने बताया है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने बताया है कि सरकार बेरोजगारों युवाओं पर लाठियां चलवाकर अपनी तानाशाही को दर्शाती है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। ऐसा लगता ही नहीं कि लोकतांत्रिक ढंग से हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, हमारे द्वारा मेरा अर्थ है कि लोगों के द्वारा, हम सब लोग हैं, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस प्रकार से तानाशाही करके मार पीट और बच्चों को इस तरह से जलील करेगी, बच्चों को इस तरह से खून, बच्चों के साथ खून खराबा करेगी, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी सरकार होगी। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप में, ऐसा व्यवहार तो आतंकियों के साथ किया जाता है, जो हमारे बच्चों के साथ किया गया है।